हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार को चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुबई दौरे के दौरान चर्चा की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि 28 और 29 सितंबर को जब वो दुबई के दौरे पर थे तो शारजाह के जंगल सफारी देखी थी। हरियाणा में भी शारजाह के जंगल सफारी के तर्ज पर जंगल सफारी बनाई जाएगी और ये जंगल सफारी गुरुग्राम नूह के अरावली पर्वत श्रृंखला में 10,000 एकड़ क्षेत्र में बनाई जाएगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में एक बड़ी जंगल सफारी बनाने का मसौदा हरियाणा सरकार ने तैयार किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई दौरे के दौरान शारजाह में सफारी पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम और नूह में अरावली पर्वत श्रृंखला 10,000 एकड़ क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम में 6,000 एकड़ और नूह में 4,000 एकड़ में जमीन चिन्हित की गयी। ये परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी। हरियाणा में एक बड़े स्केल की एक जंगल सफारी, इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है। वो दो जिलों में वो जगह है, 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूह जिले की है, एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियाँ वो एक उपयुक्त स्थान है, ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया वो अब हमने उसको डिक्लेयर करवाया है, तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में, जिसका क्षेत्रफल करीब 2,000 एकड़ में। इस जंगल सफारी पार्क में 10 जोन होंगे, जिसमे एक बड़ा हर्पेटेरियम, बर्ड पार्क, बिग कैट्स के 4 जोन, शाकाहारी जानवरों के लिए एक बड़ा क्षेत्र, विदेशी पशु पक्षियों के लिए एक क्षेत्र होंगे। 10 जोन लगभग होंगे इसमें। एक बड़ा हर्पेटेरियम जिसमें रेप्टाइल्स, स्नेक्स आदि का एक एरिया होगा। एवरी बर्ड पार्क जो एक एनक्लोज्ड एरिना होगा बर्ड्स के लिए, ताकि एक बड़ा क्षेत्र हर प्रकार के छोटे बड़े जो पक्षी हैं उनको वहाँ रखा जा सके और उनके लिए अंदर सारी व्यवस्थाएं भी होंगी, लेकिन वो बर्ड्स मौसम के हिसाब से वहाँ रहेंगे ताकि वहाँ पर रहने के लिए उनको एक उचित वातावरण भी मिल सके। शेर जो हैं इनके अलग अलग 4 जोन होंगे, लायन होगा, टाइगर, पैंथर, चीता भी हम कोशिश करेंगे कि एक जोन उसके लिए बनाया जा सके, क्योंकि चीता की उपलब्धि अपने आप में थोड़ा कठिन है। फिर भी जैसे अब प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक चीते ला करके और जो एक वहाँ इस प्रकार का उनकी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था हम भी विचार करेंगे कि केंद्र सरकार की सहायता से कहीं से भी हमको चीता उपलब्ध हो जाए तो उसको भी हम रखेंगे। इस जंगल सफारी योजना के विकसित होने से न केवल राज्य में पर्यटन को एक बढ़ावा मिले बल्कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर भी प्रदान। सीएम ने कहा कि सफारी पार्क में सुविधाओं के डिजाइन और संचालन अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाली कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। वहीं करावली फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जो परियोजना का प्रबंधन करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसके लिए क्षेत्र का मूल्यांकन अध्ययन किया है। दिल्ली के निकट होने के कारण से वीकेंड्स पर कैपिटल रीजन के जो लोग हैं उनको भी जाने का उसमें अवसर मिलेगा। एयरपोर्ट नजदीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विदेशी जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी आकर्षण का एक केंद्र बनेगा और आसपास के इलाके की इकोनॉमी ये भी उसमें बढ़ेगी। हमने होम स्टे जो पॉलिसी है इसका जो प्रारंभ किया है उसका लाभ भी वहाँ के इलाके के आसपास के गांवों को मिलेगा। जो ये सारे एरिया जो है इसमें गांव जो आते हैं, गरदपुर बास, सकतपुर, नौरंगपुर, बार गुजर, ऐसे लगभग 8-10 गांव बिल्कुल विसिनिटी में हैं, तो इनको भी उसका ये लाभ मिलने वाला है। महेश मनोहर लाल ने कहा कि जंगल सफारी विकसित होने से एक ओर जहां इस पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से यहां काफी संख्या में लोग पर्यटन के लिए आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के लिए बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही आसपास के गांवों में ग्रामीणों को होम स्टे पॉलिसी के तहत लाभ होगा। सीएम ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला एक सांस्कृतिक धरोहर, जहाँ पर पक्षियों, वन्य प्राणी, तितलियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती है और कुछ साल पहले करवाए गए सर्वे के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला पक्षियों की 81 प्रजातियां, मैमल्स और स्तनधारी वन्य जीवों की 15 प्रजातियां, रेप्टाइल्स यानी जमीन पर रेंगने वाले और पानी में रहने वाले प्राणियों की 29 प्रजातियां और तितलियों की 57 प्रजातियां विद्यमान है।
जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।